नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में जानकारियाँ, जिनके जो NH नेशनल हाईवे हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। कौन सा नेशनल हाईवे कौन सा लंबा है सबसे, और कौन सा सबसे छोटा है, उनके बारे में कुछ जानकारियां मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जो आपके सामने लिख रहा है, देख पा रहे होंगे कि सड़क है ना, रोड मैंने लिखा हुआ है, रोड। ये जो रोड है, रोड अगर पूछा है कि रोड कौन सी सूची में आता है, तो ये स्टेट सूची में आता है, यानी राज्य सूची में इसमें आता है, स्टेट लिस्ट में। अब इसमें ज्यादातर जो भी रोड बने हुए हैं उनमें सभी जो राज्य हैं वही उनकी देख रेख करते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। देखो, NH की देख रेख एवं निर्माण, NH का मतलब नेशनल हाईवे, क्या है? नेशनल हाईवे। अब NH की देख रेख कौन करता है? NH की देख रेख करता है नाही। कौन करता है? नाही। और नाही की फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, लेकिन रिसेंटली इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू। लेकिन इसके साथ साथ जो ऐसे रोड हैं जो बॉर्डर पे बनते हैं, उन बॉर्डरों को संभालने वाला कौन है? तो BRO है। कौन सा है? BRO। तो जिसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, लेकिन इसका ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में। लेकिन इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो राजीव चौधरी हैं। कौन है? राजीव चौधरी। ये भी आपको बता दूं, जो BRO है ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किसके? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के। किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय। है ना? चलो आगे चलते हैं। देखो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जिसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। और स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये कितने राज्यों को जोड़ता है, ये सभी आपको जानकारी दूंगा। कनेक्ट ये कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। इस तरीके से इसको कनेक्ट किया गया है। लेकिन कितने लेन का है? ये 6 लेन सुपर हाईवे है। सबसे छोटा लॉन्ग शॉर्टेस्ट हाईवे है जो NH है, तो मुंबई टू चेन्नई में है। और लॉन्गेस्ट है मुंबई टू कोलकाता वाला, मुंबई टू कोलकाता वाला रास्ता लंबा है। नेक्स्ट है टोटल लेंथ क्या है इसकी? तो इसकी टोटल लेंथ है 5,846 किलोमीटर है। और लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उसी समय इनको लॉन्च किया गया। लेकिन ये पूरी तरीके से बनकर 2012 में कंप्लीट हुआ। कब हुआ था? 2012 में। ध्यान रखेंगे किसके समय पे स्टार्ट हुआ? तो अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। नेक्स्ट, कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 13 स्टेट से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 13 स्टेट से, यानी 13 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट, यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी और विश्व की पांचवी सबसे बड़ी परियोजना है। कौन से नंबर की? विश्व में 5वें नंबर की। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैं और बताता हूँ कि भारत में सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो NH 44 है। कितना है? NH 44 है, जिसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है एर्नाकुलम से कोची बंदरगाह है। कहाँ है? सबसे छोटा बंदरगाह है, सॉरी, सबसे छोटा नेशनल हाईवे वो NH 47A है, जिसकी लंबाई कुल टोटल 6 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 6 किलोमीटर। ये भी आपको बता दूं, ये एर्नाकुलम से लेके कोची बंदरगाह तक ये जोड़ता है। एर्नाकुलम को कोची बंदरगाह,
कोची बंदरगाह एर्नाकुलम नहीं आएगा तो ऐसे लिखाएगा कोची से वेलिंगटन आइसलैंड, और वेलिंगटन कहाँ पे है, केरल में है, और दोनों की दोनों, ये एर्नाकुलम भी केरल में, ठीक है, दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखो मैं आपको कॉरिडोर के बारे में बता देता हूँ। कॉरिडोर को हिंदी में बोलते हैं गलियारा, क्या बोलते हैं इसको, गलियारा, है ना, क्या बोलते हैं इसको, गलियारा बोलते हैं इसको। गलियारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गलियारा बोलते हैं कॉरिडोर को, ध्यान रखेंगे। गलियारा बोलते हैं कॉरिडोर को, लेकिन ये नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ गलियारा कौन सा है, तो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक का है, जिसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम वाला गलियारा कौन सा है, तो सिलचर से लेके पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर आपका ध्यान रखेंगे पूर्व साइड में, किधर साइड में, पूर्व साइड में, किधर साइड में, पूर्व साइड में, ठीक है, लर्न रखेंगे। नेक्स्ट बता, इसकी लेंथ लेंथ याद रखना 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट आगे, और ये भी मैं बता दूं, ये दोनों के दोनों नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट दोनों गलियारे जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो यूपी में क्रॉस करते हैं। कहाँ पे क्रॉस करते हैं, यूपी में, यूपी में एक जगह है झांसी, कौन सी है, झांसी। पूछा जाए कि दोनों गलियारे एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करते हैं, कहाँ पे क्रॉस करते हैं, झांसी, झांसी पे, कहाँ पे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, झांसी पे। चलो आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। देखो जब पुराने जो हमारे जो रोड बने हुए हैं, तो पुराने समय में जो रोड बने हुए थे, तो सबसे पहला ये रोड था सिंध से लेके बंगाल तक का, कहाँ से, सिंध से लेके बंगाल तक का, देख पा रहे होंगे, सिंध से लेके बंगाल तक का, उस रोड को जब वहां तक उनको जोड़ा गया था बंगाल तक, तो उस रोड को बोलते हैं हम उत्तरापथ, क्या बोलते थे, उत्तरापथ। किसके समय बना था ये, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बना था। नेक्स्ट है, काबुल से लेके बंगाल तक का जो रोड था, काबुल से लेके बंगाल तक के रोड को बोले सड़क ए आजम, लेकिन ये किसके समय बना था, शेरशाह, किसके समय में, शेरशाह के समय। लाहौर से लेके बंगाल तक का जो रोड बना था, उस रोड को जीटी रोड कहते थे, कौन सा, जो जी 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 ऑकलैंड के समय बना था, लेकिन शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था इसको, किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने, लेकिन किसके समय बना, जी जी ऑकलैंड के समय बना था। और जीटी रोड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जीटी रोड कहाँ से कैसे चलता है, तो जीटी रोड जो आपका चल रहा है, अमृतसर, अमृतसर क्या है, अमृतसर, अमृतसर, फिर दिल्ली, फिर उसके बाद है आपका कोलकाता, कौन सा है, कोलकाता, कोल काता, है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ, अमृतसर से लेके दिल्ली तक जो नेशनल हाईवे ऐड करता है वो NH 44 है, NH 44, और दिल्ली को कोलकाता से जो ऐड करता है उस नेशनल हाईवे का नाम है NH 19, कौन सा है, NH 19, कौन सा रखा गया है उसका, NH 90 रखा गया है। और इन दोनों को मिक्स है, अमृतसर लेकर कोलकाता के जो लंबाई है उसी को जीटी रोड कहा गया है, क्या कहा गया है, जीटी रोड। और मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये जो NH 19 है ना, ये यूपी का सबसे बड़ा, सबसे लंबा नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट बोले, क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट,
लॉन्गेस्ट है हाईवे कौन सा है? लॉन्गेस्ट हाईवे यूपी का एनएच में, एनएच के मामले में यूपी में पूछा जाए कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH-19 है। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ रहा होगा। रोड नेटवर्क में देखते हैं कि रोड नेटवर्क में पूरे संसार के आधार पर देखते हैं, वर्ल्ड के आधार पर, तो सबसे बड़ा रोड नेटवर्क इसमें तो यूएसए में, उसके बाद इंडिया में, फिर चाइना में, पहले चाइना में था उसके बाद इंडिया में था, लेकिन अब इंडिया में है, फिर बाद में अब चाइना तीसरे नंबर पर पहुंच गए। रोड डेंसिटी में देखें इंडिया में परसेंट के आधार पर सबसे ज्यादा केरल में, केरल के बाद त्रिपुरा में। नेशनल हाईवे के बारे में देख लिया जाए कि नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद यूपी में, फिर उसके बाद राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सबसे ज्यादा नगरीय नगरीय आबादी वाला, अगर पूछा जाए कि राज्य सबसे ज्यादा नगरीय आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र, नगरीय आबादी, नगरीय आबादी है ना। और सर्वाधिक जो सड़क की लंबाई है पक्के के मामले में बात करें, तो सबसे ज्यादा इसमें सर्वाधिक पक्की पक्की सड़क सबसे ज्यादा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कच्ची सड़क की बात की जाए, कच्ची सड़क कौन से राज्य में है? कच्ची सड़क, कच्ची सड़क आपके ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा। कहाँ पे? ओडिशा में। ठीक है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो मैं आपको वैसे तो मैं पूरा ही बता दिया, पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जो NH-19 है ना, वो NH-19 कौन कौन से उसमें से होके जाता है, मैं एक बार उसके बारे में आपको बता दे। अगर पूछ ले यूपी में, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट है तो पूछ ले जाता है, तो बताओ कौन कौन से जिले से होके गुजरता है, तो मथुरा, कहाँ से? मथुरा, आगरा, फिर इटावा, इटावा के बाद है आपका औरैया, फिर उसके बाद ध्यान रखेंगे औरैया के बाद आता है तुम्हारा कानपुर, कौन सा आएगा? कानपुर, और कानपुर के बाद आएगा तुम्हारा प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद आएगा वाराणसी। इतने स्टेट से होके, वो डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरता है ये जो NH-19 है। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जितना मेरा अगर पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।